हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC शेयर के ऊपर। IRFC का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है, तो हम लोग डिटेल में क्वार्टर फोर के रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे टेक्निकली कौन कौन सा लेवल जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्टॉक में शॉर्ट टर्म में कहां तक तेजी हो सकता है, लॉन्ग टर्म का व्यू क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो IRFC में इस वीक में हम लोगों को 18% का एक बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिला। स्टॉक जो है 173 के लेवल पे क्लोज हुआ। यहाँ पे जितने भी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मैंने अपडेट किया था जब IRFC आपको 164-165 के लेवल को क्रॉस कर रहा था, तभी मैंने अपडेट किया था जो स्टॉक में एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है और उसके बाद स्टॉक जो है आपको 4-5% ऊपर क्लोज हुआ है। इनकेस अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर लाइव मार्केट में कोई भी स्टॉक किसी इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे कि IRFC के केस में हम लोगों को देखने को मिला, RBNL के केस में देखने को मिला, बेल के केस में भी अगर देखेंगे तो बेल के केस में भी मैंने अपडेट किया था। तो अगर लाइव मार्केट में कोई भी स्टॉक किसी इम्पोर्टेंट लेवल को क्रॉस करने वाला रहता है तो वहां पर वीडियो बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, वहां पे टाइम कम रहता है और इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक शेयर करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रीफर करते हैं तो टेलीग्राम और ट्विटर पे अपडेट किया जाए, जिससे कि ज्यादा लोगों तक जल्द से जल्द ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो इसी वजह से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो है डेली आपको मिल जाएगा, डेली लेवल्स जो है यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगा, ट्विटर पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। और इन केस अगर आपको जो है डायरेक्ट लेवल्स चाहिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको बस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो फिर उस केस में जो है आप प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप का सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। पास्ट परफॉर्मेंस अगर आपको देखना है, जो अप्रैल मंथ में कैसा परफॉर्मेंस रहा, वो भी आपको जो है यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेटेड है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप चेक कर सकते हैं और मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। जैसे ही स्टॉक टारगेट हिट करता है उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ जो हाँ कौन कौन सा कॉल रिसेंट के अगर देखेंगे तो हेबल्स, BDL, एस्ट्रल तीनों में ही एक शानदार तेजी देखने को मिला, IRCTC, तो इन सभी स्टॉक्स में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिला। तो इनकेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे जाके आप सारे डिटेल को गो थ्रू कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं IRFC के रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले अगर देखेंगे IRFC बहुत दिन से एक रेंज में था और रेंज में रहने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पे आपको रिजल्ट से जस्ट पहले ब्रेकआउट दिया है, रिजल्ट अच्छा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करेंगे, 6,194 करोड़ के रेवेन्यू के अगेंस्ट में जो है 6,474 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, तो 1% के आसपास का ग्रोथ जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल यहाँ पे जो है हम लोगों को तकरीबन अगर बात करेंगे तो 280 करोड़ के आसपास का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है हम लोगों को यहाँ पे 4-5% का ग्रोथ सेल्स में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो 6,174 करोड़ के अगेंस्ट में जो है 6,439 करोड़ का ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। एम्प्लॉय बहुत कम है, एक्सपेंस इस कंपनी का ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, रेवेन्यू के कंपैरिजन में एक्सपेंस जो है वो निग्लिजिबल है और 99% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और लगातार 99-100% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है और इसी वजह से जो है हम लोगों को एक अच्छा नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है, 34% का जंप जो है नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार जो है कंपनी में हम लोगों को एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और उसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है हम लोगों को नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे
शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो प्रमोटर के पास जो है 86.36% का जो है यहाँ पे आपको होल्डिंग है। तो यहाँ पे जल्द ही OFS आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेबी का रूल है जो लिस्टिंग के बाद जो है आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद 75% से ज्यादा प्रमोटर का हिस्सेदारी नहीं रह सकता है। तो अभी भी 11.36% यहाँ पे स्टेक ज्यादा है जिसको कि प्रमोटर को डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो बहुत जल्द आपको इस स्टॉक में भी, इस कंपनी में भी OFS आता हुआ देखने को मिल सकता है। FII की बात करेंगे तो 1.08% का स्टेक FII के पास है। DII ने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, 0.89% का स्टेक DII के पास है। रेस्ट आपको पब्लिक के पास है, 11.68% का होल्डिंग जो है वो आपको पब्लिक के पास है। तो अब इस स्टॉक में एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो ये है, जो आपको 70 पैसे पर शेयर का जो है यहाँ पे डिविडेंट मिलने वाला है। अभी डिविडेंट का डेट अनाउंस नहीं हुआ है, डिविडेंट का डेट अनाउंस होगा जब AGM में ये अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद डिविडेंट का डेट भी अनाउंस हो जाएगा और उसके बाद जो है विद इन 1 मंथ आपका पेमेंट भी आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग चार्ट्स के ऊपर। एक इम्पोर्टेंट लेवल को स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है जस्ट रिजल्ट से पहले। वीकली बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे भी बहुत स्ट्रांग कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या है, स्टॉक में एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिला। स्टॉक ने 192.8 का हाई लगाया, उसके बाद स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद स्टॉक ने एक बेस बनाया। यहाँ पे स्टॉक जो है आपको एक बेस बनाया और अब जाके स्टॉक ने इस बेस का ब्रेकआउट दे दिया है। एक तेजी हो चुका है, रिट्रेसमेंट हुआ, बेस बन गया और बेस का ब्रेकआउट हो चुका है। अब स्टॉक में हम लोगों को फ्रेश तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बात करेंगे, अगर सबसे पहला जो हम लोगों का टारगेट होगा वो ऑल टाइम हाई का होगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई जो है वो आपको एक रेसिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। और एक बार यहाँ पे ऑल टाइम हाई क्रॉस हो जाता है, यानी कि 192.8 का लेवल अगर क्रॉस हो जाता है, उसके बाद इस स्टॉक में जो है हम लोगों को 250-300 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। हिस्टोरिकली भी अगर हम लोग इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको कुछ इसी टाइप का मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक में एक अच्छा तेजी हुआ यहाँ पे, उसके बाद जो है आपको रिट्रेसमेंट प्लस कंसोलिडेशन हुआ, अगेन ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे अच्छा तेजी, वापस से रिट्रेसमेंट प्लस कंसोलिडेशन, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक बहुत ही जबरदस्त तेजी, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, वापस से एक अच्छा तेजी। कुछ इसी टाइप का मोमेंटम जो है वापस से हम लोगों को देखने को मिल सकता है, वापस से जो है स्टॉक आपको 250 की तरफ जा सकता है। अब बात करेंगे जो हम लोगों का ये व्यू इनवैलिड कब हो जाएगा, ये व्यू इनवैलिड हो जाएगा अगर यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का डेवलपमेंट है, ये ट्रेंड लाइन का डेवलपमेंट अगर आपको इसके नीचे स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा तभी हम लोगों का यहाँ पे व्यू इनवैलिड होगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तब तक जो है हम लोगों का व्यू यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा। शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट जरूर देखने को मिल सकता है पर उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।